नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेश सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, क्षमता नीति योजना और प्रदर्शन से होती है प्रगति। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय पीजी कॉलेज में शौर्य दीवार का अनावरण। शौर्य की 21 गाथाओं से रूबरू होंगे छात्र। ई लाइब्रेरी की भी मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने टनकपुर में मझोला पकड़िया। टनकपुर आमान परिवर्तित खंड की बड़ी रेल लाइन का किया शुभारंभ। अब हर रोज चलेंगी 4 जोड़ी ट्रेन। विकास और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है रेल लाइन। और पेयजल की समस्या दूर करने में कारगर साबित हो सकती है केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वजल योजना। सामुदायिक स्तर पर राज्य जल संचयन को बढ़ावा देना है योजना का मकसद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। लखनऊ में निवेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि क्षमता नीति योजना और प्रदर्शन से प्रगति होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों से उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूती मिलेगी। और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। अब यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टैप नहीं, रेड कारपेट होगा। आज इंडस्ट्री के लिए जिस डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है वह भी इसी का उदाहरण है। ये एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा जिसके माध्यम से उद्यमियों को एक तय सीमा में ऑनलाइन परमिशन मिल जाया करेगी। इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी कम से कम होगा। निश्चित तौर पर ये यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से एक अहम कदम है। रोजगार बनाने के नए अवसरों के लिए जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए हमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के छात्र छात्राएं अब वीरों की शौर्य गाथाओं से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कॉलेज में शौर्य के प्रतीक शौर्य दीवार का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य दीवार की सौगात बच्चों के लिए प्रेरणा साबित होगी।
इसके साथ ही कॉलेज में ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। वहीं राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि शौर्य दीवार पर 21 वीरों की शौर्य गाथा को अंकित किया गया है। मंत्री जी ने किया है, सभी महाविद्यालयों में अपने उन हुतात्माओं की स्मृतियों को संजोने का काम किया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, जिनके कारण हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है, उनको उनकी इस स्मृतियों को चिरस्थायी करने का काम ये आज 108वीं शौर्य दीवार का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। अभी तक 110 महाविद्यालयों में शौर्य दीवारों का उद्घाटन हो गया है और जो 8 अभी छूटे हैं वहाँ देर मुझ पर है कि मुझको वहाँ जाना है और कुछ जगह मुख्यमंत्री जी को जाना है। और सभी जगह हमने जो 21 परमवीर चक्र जिनको सेना में मिला है उनके फोटो हैं, उनका जीवन परिचय है, ताकि नई पीढ़ी हमारी उनसे प्रेरणा ले सके लर्निंग के लिए और ई लाइब्रेरी के लिए। और लोगों को फर्नीचर भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अभी उच्च शिक्षा विभाग जो है। शौर्य दीवार और ई लाइब्रेरी की सौगात मिलने पर छात्र छात्राओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज चंपावत जिले के चनकपुर में मझोला पकड़िया टनकपुर आमान परिवर्तित खंड की बड़ी रेल लाइन का शुभारंभ किया। अब हर रोज यहां से 4 जोड़ी रेलगाड़ियां चलेंगी। ये रेलवे स्टेशन नेपाल की सीमा से सटी शारदा नदी के तट पर है। इस अवसर पर श्री टम्टा ने कहा कि बड़ी रेलवे लाइन से जहां चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों को लाभ मिलेगा, वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बड़ी रेल लाइन बनने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वर्षों की मांग पूरी हो गई है, आज हमारी ये बड़ी लाइन पूरे देश से जुड़ी है और इसका लाभ यहाँ की क्षेत्र की जनता को होगा। इससे व्यवसाय, कारोबार और प्रकार के प्रभाव, रोजगार ये सारे इफेक्टिव होंगे, उसका लाभ मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य का आज का ये दिन है। ऐसे शुभ अवसर में मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनकी जो आप चाहते हैं कि यहाँ से दिल्ली के लिए और देहरादून के लिए भी ट्रेन हो, उसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है और बहुत जल्दी उस दिशा को भी हम माँ पूर्णागिरी एक्सप्रेस के रूप से, पिथौरागढ़ एक्सप्रेस के रूप में हम दोनों ट्रेनों का भी संचालन। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन रेलवे के उप महाप्रबंधक एसएल वर्मा ने बताया कि बड़ी रेल लाइन का निर्माण 1.5 साल में 165 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस लाइन में 5 स्टेशन, 5 क्रॉसिंग स्टेशन और 1 हॉल्ट स्टेशन है और इसका 165 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। हमारा एक प्रोजेक्ट था भोजीपुरा किलीभी टनकपुर, जिसकी 450 किलोमीटर की लागत है। अब इससे सारा हमारा जो भी सेक्शन है परिवर्तित हो गया है और अभी 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलेंगी और इसके आगे भी भविष्य में और नई ट्रेन चलाई जाने की संभावना। इस रेल लाइन के निर्माण से टनकपुर के लोगों का सालों पुराना सपना साकार हुआ है। अपार जल संपदा के बावजूद कई राज्यों में पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वजल योजना इस समस्या को दूर करने में कारगर साबित हो सकती है। स्वजल योजना यानी कि पीने के पानी की समस्या से निजात, 20 फरवरी को उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर में 20 फरवरी से स्वजल योजना शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से इसका आगाज हुआ। इस योजना का मकसद सामुदायिक स्तर पर जल संचयन को बढ़ावा देना और पानी की समस्या को हल करना है। इससे पहले ये योजना उत्तराखंड में सफल साबित हो चुकी है। इस योजना के तहत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। उत्तरकाशी से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने की। हुए पानी को रोकना, रुके हुए पानी को साफ रखना और साफ पानी को पीने के योग्य बनाना, इस ओर हम कम्युनिटीज को और सरकारी सुविधाओं को ले जाएंगे। छोटे से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के स्वजल मॉडल ने पूरे देश में पानी की समस्या को एक हल दिया है। बात उत्तराखंड की हो तो यहाँ 702 करोड़ की स्वजल 2 परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के दायरे में 25% ग्रामीण और 75% अर्धशहरी क्षेत्र आएंगे। पहले चरण में देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, हरिद्वार, पंतनगर और नैनीताल के अर्धशहरी क्षेत्रों को लिया जाएगा। तो सबसे एक्सपीरियंस थे इसमें पहाड़ के थे परमेश्वर साहब ने वहाँ पर योजना शुरू की थी। अब
उन्हीं की अध्यक्षता में हमने टास्क फोर्स बना दी है और अब सारे राज्यों में जहाँ जहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जिसमें महिलाएं लीड लेंगी। अब ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्रांति की दिशा में ड्रिंकिंग वाटर। दुर्गम पहाड़ी राज्य में जल संकट से निपटने के लिए स्वजल योजना के जरिए सामुदायिक जल संचयन का जो मॉडल विकसित हुआ आज वो देश के लिए नजीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। सीएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड उत्कर्ष के लिए विभागों ने मासिक लक्ष्य तय किए हैं। पहले चरण में 26 विभागों के 535 केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दर्ज हो गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्कर्ष की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को हर महीने की 10 तारीख तक सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव हर महीने डैशबोर्ड की समीक्षा करेंगे। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी जन सेवाओं से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर विभागों और जिलों की रैंकिंग भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि पहले राष्ट्रीय औसत के संकेतकों को प्राप्त किया जाएगा, इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के शिशिर मल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अब उनकी पत्नी संगीता भी सेना में शामिल हो रही हैं और अपने पति के सपने को पूरा करने की बात कहती हैं। एक रिपोर्ट। देहरादून के चंद्रबनी निवासी रिटायर्ड फौजी भगवान सिंह नेगी की बेटी संगीता ने शिशिरमल से प्रेम विवाह किया और पति भी फौजी परिवार से थे। शिशिर ने सेना की गोरखा यूनिट को ज्वाइन किया था जिससे उनके पिता रिटायर हुए थे। स्वस्थ जिंदगी गुजार रहे सुरेश मल का 21 मार्च 2015 को निधन हो गया था। इसके 6 महीने के अंदर 2 सितंबर 2015 को बारामूला सेक्टर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शिशिर शहीद हो गए। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में शिशिर के साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत सेवा मेडल दिया गया। शिशिर और उनके पिता की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया। पति को वीरगति प्राप्त होने के बाद संगीता ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने कठिन मेहनत की, परीक्षा दी और बैंक में उसका चयन हो गया। इसी दौरान संगीता को रानीखेत में सेना के एक प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर मिला। संगीता ने दिल्ली स्थित सेना के वीर नारी सेल से संपर्क किया, इसके लिए कड़ी मेहनत की और आज मेहनत रंग लाई। उनका चयन देश के एक बड़े बैंक के साथ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई कोर्स के लिए हो गया है। मेरे लिए और भी प्राउड की बात थी कि मैं अगर ज्वाइन कर रही हूँ तो ये मेरे लिए भी एक ऑनर है कि मैं आर्मी को सर्व करूँगी और अपने देश के लिए कुछ करूँगी। मेरे लिए तो और भी गर्व की बात है। मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे। मैं अगर यहाँ आज पहुँची हूँ तो ये आर्मी ऑर्गेनाइजेशन और मेरे फैमिली और मेरे अपनों की वजह से ही हूँ। फैमिलीज के लिए भी मैसेज है कि एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उसको अगर आप इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो वो भी एक अच्छे डायरेक्शन पकड़ेंगे और लाइफ में। ये सब चीज़ें दुखी तो बहुत करती हैं पर शायद आपको अंदर से और स्ट्रांग बना देती हैं। संगीता के पिता भगवान सिंह नेगी को अपनी बेटी पर नाज है। पोस्ट ग्रेजुएट संगीता को उनके पिता ने सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जिसका सास ने समर्थन किया। दिल में ये था कि जो है हमारी बेटी भी जो है जवान को भी सेना मेडल मिला था। अच्छा काम किया जवान ने, अपनी जान तो गई है लेकिन देश के लिए कुर्बान हुआ है और उसकी वजह से उनको सेना मेडल मिला है। और इसकी वजह से मैंने बोला बेटे जवान ने नाम रोशन किया, आप भी जो है आर्मी में ज्वाइन करो, आप भी अच्छा नाम कमाओगे, अच्छा देश के लिए जो है कुछ काम करके दिखाओ। बहू इंडियन आर्मी में जा रही है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहु लोगों का भी हौसला बढ़ाना चाहिए। संगीता की इस कामयाबी से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग और उत्तराखंड ही नहीं देश के सभी लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में आतंकियों का सामना करते हुए देश के लिए शहीद परिवारों को गर्व है। उनके प्रियजन देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। इनमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो देश और समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।